हाँ, तो दोस्तों जापान में एक ऐसी भी बिल्डिंग है जिससे होकर हाईवे गुजरता है, और सरकार को वो बिल्डिंग के मालिक को पैसे भरने पड़ते हैं किराया। और यहाँ पर जन्म दर इतनी कम है कि यहाँ पर बेबी डायपर जो होते हैं उनकी तुलना में अडल्ट डायपर ज़्यादा बिकते हैं। भारत में दोस्तों जैसे कि बिल्ली रास्ता काट देती है तो उसको अशगुन का संकेत माना जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। खासकर जो काली बिल्लियाँ होती हैं जापान में, उनको काफ़ी शुभ माना गया है, तो थोड़ा अलग है इंडिया से। साल 2011 में जो भूकंप आया था दोस्तों जापान में, वो अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। और जो पृथ्वी के घूमने की गति होती है, रोटेशन स्पीड, वो 1.8 माइक्रो सेकेंड बढ़ गई थी। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। भारत में बनी हर रोड का कुछ ना कुछ नाम होता है, लेकिन दोस्तों जापान में ऐसा नहीं है। जापान में ज़्यादातर सड़कें ऐसी हैं जिनका कोई भी नाम नहीं है। जैसे कि आप वीडियो में सुन सकते हैं कि काफ़ी नॉइज़ हो रही है पीछे से, तो लगता है कि जगह चेंज करनी पड़ेगी। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश सुसाइड के मामले में भी पीछे नहीं है। यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड होती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा होती हैं काम के बोझ के कारण। दोस्तों जापान सुसाइड के मामले में भी पीछे नहीं है, और यहाँ पर जितनी भी सुसाइड होती हैं वो ज़्यादातर ट्रेन के नीचे होती हैं। और ट्रेन के नीचे जो मरते हैं ना, उनकी फैमिली वालों को जापान सरकार को पैसा पे करना होता है, क्योंकि जो यात्री होते हैं उनकी यात्रा में बाधा पड़ जाता है। हाँ, तो मैकडोनाल्ड्स, अब आते हैं मैकडोनाल्ड्स पर। तो दोस्तों जापान में 3,000 से ज़्यादा मैकडोनाल्ड्स हैं, जो कि अमेरिका के बाहर सबसे बड़ी संख्या है। और यहाँ पर आराम से जिनके पास घर नहीं है वो आराम से मैकडोनाल्ड्स में रहते हैं, क्योंकि मैकडोनाल्ड्स रात भर खुला रहते हैं, ऐसे ज़्यादा मैकडोनाल्ड्स होते हैं। 100 साल से भी अधिक से उम्र वाले लोगों की संख्या यहाँ पर 50,000 से भी ज़्यादा है दोस्तों। और मैं बताता हूँ अभी आपको लाइव एग्जांपल। और यहाँ पर जो भी बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, वो सब काम करते हैं, यहाँ पर काम करने में कोई शर्म नहीं होती है। और ये देखिए, यहाँ पर मेरे आगे पे देखिए, दादी जी हैं 80-90 साल की तो होंगी, और पीठ पर वो देखिए अपने वो पानी या कुछ खाद टाइप का है वो लेके चल रही हैं, और वो डाल रही हैं यहाँ पर अपने खेतों में। और थोड़ी देर पहले इस साइड पर भी थे एक अंकल जी, वो भी यहाँ पर काम कर रहे थे, वो यहाँ पर खाद डाल के गए हैं। तो इतनी कड़ी धूप में भी दोस्तों जापानी लोग मतलब काम करने में पीछे नहीं रहते हैं। तो जहाँ पर मैं काम करता हूँ ना, वहाँ पर भी 80 से 85 साल के ना 4-5 लोग तो हैं। हाँ, तो इस वीडियो को रखते हैं फ़िलहाल यहीं तक। और भी अलग थलग बातें हैं जो कि बात करेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि अभी टाइम हो गया है और ये वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी। तो जो भी आप जानना चाहते हैं जापान के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मिलते हैं गाइस नई वीडियो में। सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते टू एवरीवन।